मूवी की शुरुआत में हमें ब्रेंडन को दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो गेम डेवलपर है। वो बताता है कि वैज्ञानिकों ने चूहों को एक टेबल के अंदर रखा है ये स्टडी करने के लिए कि कैसे एक रैट हर बार के अटेम्प्ट के बाद अपनी थिंकिंग पावर को और अधिक डेवलप कर लेता है और उस भूल भुलैया से निकलने के लिए कम से कम समय लेता है। ब्रेंडन भी अपने गेम को डिजाइन करने के लिए इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्रेंडन अपनी वाइफ क्लेयर और अपनी बेटी सैम के साथ एक बीच पर वेकेशन के लिए जाता है जहां उसकी बेटी सैम उसे कहती है कि वो अपनी मंकी डोल के साथ किनारे पर खेलने के लिए जा रही है। सैम प्रॉमिस करती है कि वो पानी के ज्यादा नजदीक नहीं जाएगी, लेकिन जब सैम का ध्यान खेलने में होता है तब उसकी डोल पानी के बहाव के साथ दूर चली जाती है। इसलिए अपनी डोल को बचाने के लिए सैम भी पानी में जाने लगती है और वो डूब जाती है। इस घटना के बाद ब्रेंडन और क्लेयर पूरी तरह से टूट जाते हैं। अपनी बेटी के फ्यूनरल के बाद क्लेयर उसे भूलने की पूरी कोशिश करती है, जबकि ब्रेंडन अपनी बेटी की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। उसने अभी तक सैम का सारा सामान संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन एक दिन उसकी नजर सैम की फेवरेट बुक पर पड़ती है जिसमें वो नोटिस करता है कि उस बुक का टाइटल द बैरनस्टेन बियर को ई की जगह ए से लिखा गया है, जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसी रात ब्रेंडन का ब्रदर इन लॉ मैट उससे मिलने आता है, जहां ब्रेंडन उससे भी बुक के टाइटल के बारे में पूछता है, जिस पर मैट का भी यही कहना था कि द बैरनस्टेन बियर में पहले ई था। उस रात ब्रेंडन को नींद नहीं आती और वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि द बैरनस्टेन बियर का टाइटल चेंज हो गया है। थोड़ी और रिसर्च करने पर उसे मंडेला इफेक्ट के बारे में पता चलता है, जो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें अल्टरनेट टाइमलाइंस और पैरेलल यूनिवर्स हैं, जिनकी वजह से हमारी दुनिया से कुछ चीजें गायब हो चुकी हैं, लेकिन वो चीजें पहले एग्जिस्ट किया करती थीं। इस थ्योरी का नाम नेल्सन मंडेला की डेथ मिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें लाखों लोगों का मानना था कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु जेल में सन 1980 के दौरान हुई थी और उस वक्त उनका एक बहुत बड़ा फ्यूनरल भी हुआ था जिसके कई गवाह भी थे, मगर आज के इतिहास के अनुसार उन्हें 1990 में जेल से रिहा कर दिया गया था और उनकी मृत्यु सन 2013 में हुई। खैर, अब अगली सुबह जब प्लेयर कुकिंग करने के लिए रेडी हो रही थी, तभी ब्रेंडन फ्रिज पर लगी अपनी एक फैमिली फोटो को नोटिस करता है, जो ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के सामने की थी। लेकिन उसे अच्छे से याद है कि उसने इस फोटो को पैसिफिक साइंस सेंटर के सामने लिया था, जबकि उसकी वाइफ के अकॉर्डिंग उन्होंने इस फोटो को ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के सामने ही लिया था, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम बस कंफ्यूज हो रहे हो। अब ब्रेंडन मैट से मिलकर उसे सारी चीजें समझाने की कोशिश करता है। ब्रेंडन कहता है कि ऐसे बहुत से एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन हैं जो मंडेला इफेक्ट थ्योरी को प्रूफ करते हैं। उसका मानना है कि हम लोग मल्टीपल यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के बीच जंप कर रहे हैं, लेकिन मैट उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अगले कुछ दिनों तक ब्रेंडन इसी फिनोमेना के बारे में सोचता रहता है और इसकी गहराई तक जाकर रिसर्च करता है, जहां उसे स्ट्रिंग थ्योरी की रियल मैड्रिड होने की पॉसिबिलिटी और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री और आर्टिकल्स के बारे में पता चलता है। वह हर वक्त इन्हीं चीजों में उलझा रहता है, जो शायद उसे उसके दिमाग को व्यस्त रखने और दुखों को भुलाने में उसकी मदद करता है। एक दिन ब्रेंडन एक प्रिस्ट से जाकर मिलता है और उनसे पूछता है कि ईश्वर सैम जैसे मासूम बच्चों की जान क्यों ले रहा है, जिस पर प्रिस्ट कहते हैं कि किसी की जान लेना ईश्वर की मर्जी या उनकी इच्छा नहीं होती, लोगों की जिंदगी उनकी फ्री विल पर निर्भर करती है, जिसे बहुत से लोग ईश्वर से मिला इंसानों को सबसे अच्छा तोहफा मानते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेंडन मैट से मिलता है। मैट बताता है कि उसने इस बारे में अपने एक दोस्त से बात की है, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है। न्यूरोलॉजिस्ट ने उसे बताया कि अक्सर हमारा दिमाग हम जैसा सोचना चाहते हैं उसी तरह काम करता है। इसकी वजह फॉल्स मेमोरी भी हो सकती है, जो उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है, मगर ब्रेंडन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि यह कोई फॉल्स मेमोरी नहीं है। रात में डिनर करते समय क्लेयर ब्रेंडन से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन हमें उसे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर ब्रेंडन उसे पूछता है कि क्या तुम मोनोपोली गेम के बारे में बता सकती हो, जिसे हमारी बेटी खेला करती थी, कि उस आदमी की आंखों पर ग्लासेस लगे होते हैं या नहीं, जिस पर क्लेयर कहती है कि उसे अच्छी तरह से याद है उस आदमी की एक आंख पर ग्लास लगा हुआ था। फिर ब्रेंडन उसे मोनोपोली गेम का कवर दिखाता है, जहां पर अब उस आदमी की आंखों पर कोई ग्लासेस नहीं थे। इसके बाद ब्रेंडन उसे एक और एग्जांपल देता है कि अभी जिस मंकी डोल की फोटो उनके पास है उसकी कोई टेल नहीं है, जबकि हमने देखा था कि सैम के पास जो मंकी डोल थी उसकी एक
टेल हुआ करती थी। ब्रेंडन क्लेयर से कहता है कि उसने सैम के फ्यूनरल के बाद यहाँ तक कहा था कि उसे यह सब सच नहीं लगता। क्लेयर को ब्रेंडन का सैम के बारे में इस तरह से बातें करना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम्हें सैम को भूल जाना चाहिए, लेकिन ब्रेंडन को खुद पर भरोसा है और वो अपनी रिसर्च जारी रखता है। रिसर्च करते हुए अब उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रियलिटी के बारे में पता चलता है, जिसमें कहा जाता है कि हमारी दुनिया रियल नहीं है और हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रहते हैं। ब्रेंडन को लगता है कि इतने अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स में से किसी न किसी यूनिवर्स में उसकी बेटी सैम अभी भी जिंदा होगी। रिसर्च करते हुए उसे रोलैंड फुट नाम के एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है, जो सिमुलेशन को प्रूफ करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। इंटरनेट पर उसे जो वीडियोस मिलती हैं, अब वो करप्ट हो चुकी थी, इसलिए ब्रेंडन उनके लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है। मगर कई दिनों बाद भी रोलैंड की तरफ से वीडियो मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता। तब ब्रेंडन किसी तरह उनका एड्रेस निकालता है, लेकिन जब ब्रेंडन उनसे मिलने जाता है तो डॉक्टर रोलैंड बिजी होने की वजह से उससे मिलने से इनकार कर देते हैं। काफी दिनों तक डॉक्टर रोलैंड को फॉलो करने के बाद एक दिन ब्रेंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने में कामयाब हो जाता है और उन्हें किसी तरह बात करने के लिए कन्वेंस कर लेता है। रोलैंड उसे बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, जिसमें मंडेला इफेक्ट कुछ और नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सिस्टम अपडेट के दौरान आने वाले बग्स और ग्लिचेस हैं। जिस पर ब्रेंडन कहता है कि अगर हमारा यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन या कंप्यूटर कोड है तो इसे स्क्रिप्ट कोडिंग की मदद से चेंज भी किया जा सकता है। रोलैंड फिर बताते हैं कि हमारी दुनिया तभी एग्जिस्ट करती है जब इसे किसी कॉन्शियस मीनिंग या ऑब्जर्वर के द्वारा देखा जा रहा हो। ब्रेंडन इसका कंपैरिजन वीडियो गेम से करता है, जिसमें किसी जगह को तभी दिखाया जाता है जब कोई प्लेयर उस जगह पर जाता है, बाकी समय वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। ब्रेंडन कहता है कि ऐसा किसी नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता। जिस पर रोलैंड कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्वांटम कंप्यूटर है जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। इसके बाद ये दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, जहां रोलैंड उसे कंप्यूटर में कोड रन करने के बारे में समझाते हैं। उस रात ब्रेंडन को सैम की डेथ का सपना आता है और जब सैम उसे बुलाती है तो वो तुरंत जाग जाता है। इसके बाद वो सैम के कमरे में जाता है, जहां पर वो एक परछाई को देखता है जो ग्लिच करते हुए गायब हो जाती है। अगली सुबह जब ब्रेंडन अपने कमरे से बाहर निकलता है तो अपनी बेटी सैम को दोबारा जिंदा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मैट और क्लियर भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ब्रेंडन आस पड़ोस के लोगों और अपने रिश्तेदारों से बात करता है, लेकिन उन्हें भी सैम के मरने की बात याद नहीं थी। वो इस बारे में डॉक्टर रोलैंड से बात करने की कोशिश करता है, मगर रोलैंड उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देते। ब्रेंडन को लग रहा था कि इस कंप्यूटर सिमुलेशन से बनी दुनिया ने उसे उसकी बेटी को वापस लौटा दिया है, क्योंकि उस दुनिया के लोग नहीं चाहते कि वो ऐसे किसी भी तरह के कंप्यूटर कोड पर काम करे जिससे रियलिटी को बदला जा सकता है। हालांकि ब्रेंडन को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो बस अपनी बेटी को वापस पाना चाहता था। अब वो इस कोडिंग सिस्टम पर काम करना बंद कर देता है। मगर एक दिन अचानक से क्लियर अपने होश खो बैठती है और बिना किसी वजह के बर्तनों को तोड़ने लगती है। फिर वो कहती है कि सैम को यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्लियर का इस तरह का बिहेव करना रियलिटी में आए बदलाव की वजह से हो सकता था। इसलिए ब्रेंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर रोलैंड की तो 2 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है। ये सुनकर ब्रेंडन शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो कुछ दिनों पहले ही उनसे मिला था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अब ब्रेंडन अपनी फैमिली के लिए चीजों को सही करने की ठान लेता है। फिर ब्रेंडन एक ऐसे कोड पर काम करना शुरू करता है जिससे रियलिटी को बदला जा सकता है। काफी मेहनत करने के बाद जब फाइनली कोड रेडी हो जाता है, तब ब्रेंडन उस पेन ड्राइव को लेकर किसी तरह से सबसे बचते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और उस कोड को क्वांटम कंप्यूटर पर सक्सेसफुली रन कर देता है। लेकिन तभी अचानक से कंप्यूटर बहुत अजीब आवाजें करने लगता है, इसलिए ब्रेंडन भागकर बाहर आ जाता है और वो देखता है कि पार्किंग लॉट से सभी गाड़ियां गायब हो चुकी थी। पलक झपकते ही वो खुद को एक बस के अंदर पाता है। तभी उसे क्लेयर का फोन आता है, जिसका कहना था कि उसकी अचानक से तबीयत खराब होने लगी है। उसी समय वो देखता है कि बस में बैठे हुए पैसेंजर ग्लिच करते हुए गायब होने लगते हैं। ब्रेंडन बस से उतरकर सड़क पर दौड़ने लगता है, जहां आसपास की चीजें किसी कंप्यूटर ग्लिच की तरह बदलने लगती हैं और आसमान में दिन में चांद दिखाई देने लगता है। अब ब्रेंडन घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी फैमिली बहुत डरी हुई है।
तभी क्लेयर का चेहरा ग्लिच करने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। फिर अंत में सारी चीजें गायब हो जाती हैं और चारों तरफ एक ब्लैकआउट छा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हमें स्क्रीन में कुछ सीरीज ऑफ कोड रन होते हुए दिखाई देते हैं और ब्रह्मांड अस्तित्व की शुरुआत से रिफॉर्म होने लगता है, जहां यूनिवर्स में मौजूद सभी प्लेनेट, स्टार्स, जीव जंतु और मानव सभ्यता एक बार फिर रिस्टोर होने लगते हैं। जब अंत में रिबूट खत्म होता है तब हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां ब्रेंडन एक बार फिर अपनी फैमिली के साथ बीच पर वेकेशन मना रहा होता है। मगर इस बार जब सैम किनारे पर खेलने के लिए जाती है तो ब्रेंडन उसे अपनी मंकी डॉल उसके पास छोड़कर जाने के लिए कहता है, जिससे इस बार सैम की जान बच जाती है। मूवी की लास्ट में ब्लैकआउट इसलिए दिखाया गया था क्योंकि सिस्टम अब पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और उसके ठीक बाद ऑटोमेटिक रिबूट होकर रिकवर करने लगता है। सुपर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कब से और किस कारण से सिस्टम क्रैश हुआ। वो पता कर लेता है कि समस्या तब से शुरू हुई जब से ब्रेंडन ने अपनी बेटी को खोया। अगर वो अपनी बेटी नहीं खोता तो वो वर्चुअल रियलिटी की खोज में नहीं निकलता और ना अपने प्रोग्रामिंग कोड से सिस्टम को क्रैश करता। इसलिए सिस्टम ठीक उसी समय से रिबूट होता है जब से ब्रेंडन की समस्या शुरू हुई। पिछली बार उसने सैम को अपनी फेवरेट मंकी डॉल के साथ खेलने भेजा था, जिसे बचाने के चक्कर में वो डूब गई थी, पर इस बार सिमुलेशन ने उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया था। इसलिए इस बार ब्रेंडन सैम को उसकी फेवरेट मंकी डॉल को उसके पास ही छोड़कर जाने को कहता है, ताकि वो सिचुएशन ही पैदा ना हो कि सैम उस डॉल को बचाने के लिए पानी के करीब जाए। इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।